इंग्लिश बोलना चाहते हो लेकिन ग्रामर समझ में नहीं आता और ना ही ग्रामर के इतने सारे रूल्स याद होते हैं और गाइज वॉकेबिलिटी तो बिल्कुल याद नहीं होती है ना गाइस आप सबकी भी यही प्रॉब्लम है तो डोंट वरी आज मैं आपके लिए लेके आऊँ एक गुड न्यूज जिसमें ना ही आपको ग्रामर कोई पढ़ने की जरूरत है और ना ही ग्रामर का रूल कोई आपको याद रखने की जरूरत है हाँ गाइज आप ठीक सुन रहे हो आज के बाद आपको ग्रामर पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है आप बिना ग्रामर पढ़े और बिना ग्रामर समझे इंग्लिश बोलने लगोगे अरे बोलने ही क्या सपने में भी बोलने लगोगे तो गाइज right? अब ये जो सेंटेंसेस कौन से है तो गाइज ये वही है जो हम प्रैक्टिकल लाइफ में बोलते हैं रोज बोलते हैं राइट right? जैसे कि मैं जानता हूं मुझे नहीं पता आपका नाम क्या है आप कहाँ रहते हो आप कैसे ऐसे बहुत सारे तो गाइज आज से मैं सीरीज चालू करने जा रहा हूं आपके लिए सेंटेंसिस की तो ऐसी ही सीरीज गैस आने वाले दिनों में आपको कई बार और कई सारे वीडियो में देखने को मिलेगी सो so गाइज वीडियो को एंड तक जरूर देखना और हाँ आज से ही आपको ये सेंटेंस याद कर अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में बोलना शुरू कर देना है राइट गाइज सो आइए देखते हैं सेंटेंसेस को वन बाय वन गेट स्टार्टेड यह संभव है इट इज पॉसिबल अब इट को शॉर्ट में मैं ऐसा भी बोल सकता हूं इट्स पॉसिबल इट्स पॉसिबल यह संभव नहीं है इट्स इम्पॉसिबल या फिर इट्स नॉट पॉसिबल इट्स इम्पॉसिबल इट्स नॉट पॉसिबल अब आपकी बारी है नाउ इट्स योर टर्न नाउ इट्स योटम आपका मतलब क्या है वॉट डू यू मीन वट डू यू मीन मैं ऐसा भी बोल सकता हूं वट यू मीन आप क्या करते हो वॉट डू यू डू वॉट डू यू डू आप कहां रहते हो वेर डू यू लीव वेर डू यू लीव मुझे कहो टेल मी टेल मी अच्छा लगता है इट लुक्स गुड इट लुक्स गुड यह बुरा नहीं है इट्स नॉट बैड इट्स ट शांत हो जाओ खाम जाउन या फिर रिलैक्स खामजाउन रिलैक्स तुम कहां से हो वेर आर यू फ्रॉम वेर आर यू फ्रॉम जैसे आपकी मर्जी एज यू विश एज यू विश आज कौन सी तारीख है व्हाट्स द डेट टूडे व्हाट्स द डेट टूडे आज कौन सा वार है वाट्स द डे टूडे व्हाट्स द डे टूडे अभी कितने बजे हैं वॉट टाइम इज इट नाउ व्हाट टाइम इज इट नाउ आप कहां हो वेर आर यू वेर आर यू आप क्या कर रहे हो वॉट आर यू डूइंग वॉट आर यू डूइंग मैं तुम्हें दिखा दूंगा आई विल शो यू आई विल शो यू यह बराबर नहीं है दिस इज नॉट राइट दिस इज नॉट राइट क्या हुआ वॉट हैपन वॉट हैपन आपके हाथ को क्या हुआ वॉट हैपन टू योर हैंड व्हाट हैपन टू योर हैंड आप क्या कह रहे हो What are you saying? What are you saying? मुझे फर्क नहीं पड़ता आई डोंट care. आई डोंट care. मुझे गलत मत समझना या फिर मेरी बात का बुरा मत लगाओ डोंट गेट मी रोन डोंट गेट मी रोन प्लीज मुझे पानी दो तो प्लीज

डोंट माइंड इफ यू डोट माइंड यह कहने के लिए माफ करना सॉरी टू से दिस सॉरी टू से दिस मैं आपकी तरह फ्री नहीं हूं आई एम नॉट फ्री लाइक यू आई एम नॉट फ्री लाइक यू क्या बकवास है वॉट द है वॉट द हैल क्या बकवास चल रहा है मतलब कोई ऐसी बात जो हमको ऑकवर्ड लगे जो हमारी एक्सपेक्टेशंस के अपोजिट हो तो हम बोलते हैं क्या बकवास चल रहा है वॉट द हैल इज गोइंग ऑन वॉट द हैल इज गोइंग ऑन मैं समझता हूं आई अंडरस्टैंड आई अंडरस्टैंड मैं समझ गया आई अंडरस्टूड या फिर आई गॉट इट आई अंडरस्टूड या फिर आई गॉट इट बहुत हो गया इनफ इज इनफ इनफ इज इनफ मुझे लगता है आई थिंक आई थिंक मुझे नहीं लगता आई डोंट थिंक आई डोन्ट थिंक दो दिन हो गए हैं इट हैज बीन टू डेज इट्स बीन टू डेज दूर रहो स्टे अवे स्टे अवे यह आपका मसला नहीं है इट्स नॉट योर मैटर इट्स नॉट योर मैटर मुझे लेट हो रहा है आई एम गेटिंग लेट आम गैटिंग लेट आपकी चाय ठंडी हो रही है योर टी इज गेटिंग खोल्ड योर टी इज गैटिंग खोल्ड ये पुराना हो रहा है जैसे कोई चीज की बात करते किसी टेबल या कुर्सी की बात करते हैं कि पुराना हो रहा है तो हम बोलेंगे इट्स गेटिंग ओल्ड इट्स गेटिंग ओल्ड कुछ जल रहा है समथिंग इज बर्निंग समथिंग इज बर्निंग कुछ बास मार रहा है समथिंग इज स्टिंकिंग समथिंग इज स्टिंकिंग कृपा करके मुझे बताओ प्लीज लेट मी नो प्लीज लेट मी नो हो जाएगा इट विल बी डन इट विल बी डन वही करो जैसा मैंने कहा डू एज आई सेट डू एज आई सेट कितने मतलबी या फिर कितना मतलब ही हाउ मीन हाउ मीन तुम लोग जारी रखो यू गाइज कंटिन्यू यू गाइज कंटिन्यू